जो जिसको मर्जी फिर फोन करना ना। हाँ उसको फोन कर लिए। बोल रहे नहीं देना। 25 टन की 1750 रुपए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हमाल जो गाड़ी मालिकों व चालकों के लिए बार बार बन रहा जी का जंजाल। आज की ब्रेकिंग न्यूज में वो मुद्दा जो गाड़ी चालकों व मालिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज के शुरुआत में आपने देखा तीन अलग अलग घटनाएं हैं जहां पर हमाल की वजह से ड्राइवर को काफी यातना झेलनी पड़ी। ड्राइवर हमेशा माल लेकर पहुंचता है, हमाल के नाम पर उसे प्रताड़ित किया जाता है। एक तो पहले ही बचत नहीं है, ऊपर से इस तरह की वसूली ड्राइवर की कमर तोड़ती है, गाड़ी मालिक की बचत में भी सेंध मारती है। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं डाले से जुड़ी एक घटना के लिए नांदेड़, महाराष्ट्र। ड्राइवर है अख्तर, जो 17 जुलाई को नांदेड़ गेहूं लेकर पहुंचे थे। 25 टन माल इन्होंने लादा था जिसे अनलोड करना था, लेकिन वहां पर इनसे डाला मांगा गया। 70 रुपए के हिसाब से यानी कि 1750 रुपए बने और इनसे ले भी लिए गए। पैसे देने के बावजूद भी ड्राइवर को प्रताड़ित किया गया। मोटा मोटा माल तो मजदूरों ने उतार लिया, उसके बावजूद जो बिखरा हुआ सामान था गाड़ी में उसको मजदूरों ने नहीं उतारा, वो ड्राइवरों के ऊपर छोड़ दिया कि खुद उतारो। ड्राइवर ने मजबूरन वो माल खाली किया, लेकिन ये मामला हम तक पहुँच गया। फिर हमने कंपनी के मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो डाला चलता है। फिर हमने कहा ये अवैध है और इसको किसी तरह की मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप डाला नहीं ले सकते। काफी जद्दोजहद और बहस के बाद जब हमने उन्हें कहा कि ठीक है आप डाला लीजिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे, पुलिस में इसकी शिकायत देंगे, तब उन्होंने डाला वापस करने के लिए हामी भरी और कहा कि ड्राइवर को भेज दीजिए, पैसे वापस कर देंगे। ड्राइवर वहां गया, उसे पैसे वापस मिले और उसने ट्रांसपोर्ट टीवी का धन्यवाद भी किया है। ट्रांसपोर्ट टीवी ने पूरा पैसा वापस दिलाया और उनको ये शक्ति दी कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मेरा ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि ऐसी अगर कोई बात पड़े तो ट्रांसपोर्ट टीवी से जरूर संपर्क करें। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से एक हिसाब से कहूँ तो जैसे शेर के मुंह में गया निवाला वापस आ गया। धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़िए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ पर राजेंद्र अलवर राजस्थान से हैं, वो हिताची कंपनी के गोडाउन में एसी लेकर पहुँचे थे। वहाँ इनसे भी हमाल मांगा गया, फिर मजदूरों से तू तू मैं हुई हमाल को लेकर। बिना हमाल लिए माल उतारने के लिए मजदूर तैयार नहीं थे, तो राजेंद्र ने वहाँ पर बातचीत करते हुए वीडियो बना ली और हम तक पहुँचाई। हमने वहाँ के कंपनी के मैनेजर से बात की, वहाँ भी डाले के पैसे वापस हो गए, तो उसका भी शुक्रिया अदा राजेंद्र ने इस तरह से किया। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऐसे ही ड्राइवर भाइयों की बातों को ट्रांसपोर्ट टीवी उठाता रहे और इन बातों को आगे से आगे बढ़ाएं और हम आपके हरदम संपर्क और साथ में रहेंगे। धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, बेशक डाला गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों के लिए चिंता का विषय है और इस पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने पूरे देश में सभी यूनियंस, गाड़ी मालिकों, ट्रांसपोर्टर या चालक को हमाल ना देने की अपील की है और हमाल या डाला रोकने के लिए देश भर में एक मुहिम छेड़ने का आह्वान किया है। 15 जुलाई से उन्होंने एक नारा दिया है, जिसका माल उसका हमाल। इस मुहिम में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमाल सिर्फ व्यापारी का होगा, वही हमाल देगा, ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक या चालक नहीं। लेकिन अफसोस, अभी भी हमाल लिया जा रहा है। आइए अब रुख करते हैं इस घटना की तरफ जो पंजाब के कुराली की है। मनदीप कुमार है पटियाला से, जिन्होंने FMC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कुराली से माल लेकर जाना था। 20 जुलाई की घटना है, यहाँ पर भी इनसे माल लोड करने के लिए डाला मांगा गया और जब तक डाला नहीं दिया गया तब तक गाड़ी को बाहर जाने से रोक लिया गया। मनदीप ने मजदूर से बहस भी की, पूछा भी, तो मजदूर से गाड़ी मालिक ने साफ मना करवा दिया, ये कहते हुए कि जब तक डाला नहीं देंगे गाड़ी नहीं छोड़नी है। काफी घंटों तक उनको वहीं पर खड़ा रहना पड़ा, आखिरकार डाला दिया गया, फिर वहां से निकले। तो अगर डाले के इस जिन्न को बोतल में उतारना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और AIMTC प्रयास कर भी रही है। डाले या हमाल को लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। बस अब ये देखना है कि गाड़ी मालिकों व चालकों को इस हमाल या डाले से कब छुटकारा मिलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ रही है। कब आएगी ये हेल्पलाइन, कैसे कर सकेंगे आप इसका इस्तेमाल, बताएंगे जल्द। देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी।
ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।